वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। इस दिवस के उपलक्ष्य में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में प्रकाशित किया गया। भारत 2022 की तुलना में 11 स्थान नीचे फिसल गया है। 180 देशों में से भारत की रैंक 160वीं रही। यह लगातार दूसरा साल है जब भारत की रैंकिंग पिछले साल से और नीचे आई है। वर्ष 2021 में भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वें स्थान पर रहा, जो पिछले साल घटकर 150 पर आ गया था। इस प्रकार भारत उन 31 देशों में शामिल है जहां आरएसएफ का मानना है कि पत्रकारों के लिए स्थिति बहुत गंभीर है। भारत को इस तरह क्यों वर्गीकृत किया गया है, इस बारे में आरएसएफ ने कहा है, पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण मीडिया और मीडिया स्वामित्व का केंद्रीकरण सभी दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और हिंदू राष्ट्रवाद के अवतार नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में शासित दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता संकट में है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 5 बिंदु शामिल होते हैं जिनमें अंकों की गणना की जाती है और फिर उन देशों को रैंक दी जाती है। ये 5 राजनीतिक संकेतक, आर्थिक संकेतक, विधायी संकेतक, सामाजिक संकेतक या सुरक्षा संकेतक हैं। भारत के लिए सबसे चिंताजनक गिरावट सुरक्षा संकेतक श्रेणी में है, जहां भारत की रैंक 172 है। इसका मतलब यह है कि इस पैरामीटर पर 180 में से केवल 8 देशों की रैंक भारत से खराब है। इसलिए भारत पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में चीन, मेक्सिको, ईरान, पाकिस्तान, सीरिया, यमन, यूक्रेन और म्यांमार के अलावा दुनिया में सबसे खराब है। सुरक्षा संकेतक पत्रकारिता के तरीकों और नैतिकता के अनुसार समाचारों और सूचनाओं की पहचान करने, इकट्ठा करने और प्रसारित करने की क्षमता का मूल्यांकन करता है, जो बिना शारीरिक नुकसान, मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक संकट या पेशेवर नुकसान के अनावश्यक जोखिम के बिना हो। उदाहरण के लिए किसी की नौकरी जाना, पेशेवर उपकरणों की जब्ती या मीडिया प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ जैसा कुछ ना हो। रिपोर्ट विशेष तौर पर ऑनलाइन किए जाने वाले महिला पत्रकारों को निशाना बनाकर किए जाने वाले उत्पीड़न और कश्मीर में प्रेस के साथ पुलिस के हस्तक्षेप के बारे में बात करती है। दक्षिण एशिया में भी भारत सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में शामिल है। हालांकि बांग्लादेश थोड़ी खराब स्थिति में 163वीं रैंक पर है, लेकिन पाकिस्तान भारत से कई रैंक आगे है। यहां तक कि अफगानिस्तान, जहां तालिबान सरकार स्वतंत्र पत्रकारों की दोस्त तक नहीं मानी जाती है, उसने भी 152वीं रैंक के साथ बेहतर प्रदर्शन किया है। भूटान 90 और श्रीलंका 135वें स्थान पर है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ उल्लिखित है? संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, जो अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो भाषण की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय कानून प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित है, जिसके अनुसार सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा।